कारवां टीवी हर पल आपके साथ। पार्टी आज दुनिया की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग अभियानों में 2014 के बाद हमारी पार्टी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से भी अधिक हो गई। और इस संख्या की दृष्टि से बात करें तो केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है इसके सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। लेकिन भाइयों बहनों, उनके अंतर यह है कि उनके यहाँ सरकारी संस्थानों से जुड़े लोग, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सेना के अधिकारी, सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं। लेकिन हमारे देश में किसी भी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को या सेना बल को, पुलिस बल को, किसी को भी किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनने की अनुमति नहीं। तो इस दृष्टि से अगर हम कहें तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बड़ी पार्टी। भाइयों बहनों, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक मजबूत राजनीतिक संगठन है और देश के 60% हिस्से पर आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल के लिए काम करने में कितनी असुविधा होती होगी, इसकी परिस्थिति का ज्ञान हम सब लोगों को रहता है। लेकिन हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास और उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी भारत जैसे देश के हिस्से में भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में भाइयों बहनों पिछले 30 सालों से हमारी पार्टी लोकसभा में 70-80% राजनीतिक परिणाम लोकसभा के सदस्य के रूप में हमारे साथ आए। हाँ, बीच में कभी कभी हम राज्य सरकार का हिस्सा बने हैं, कभी विपक्ष का हिस्सा बने हैं। ऐसी तेलंगाना में पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, हमारा वोट भी बढ़ा। आपने देखा होगा कि इस बार तेलंगाना जैसे सुदूर दक्षिण के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 17 लोकसभा की सीटों में से 8 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में पिछली बार नोटा से भी कम वोट भाजपा को मिले थे। उनके यहाँ विधानसभा लोकसभा के चुनाव 7 होते हैं, तो लोकसभा विधानसभा में हमारा कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो रहा है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, लोकसभा में, विधानसभा में भाजपा की जमानत नहीं बची। लेकिन इस बार हमारे लोकसभा में 4 सदस्य जीत कर आ गए, हमारे 11 सदस्य विधानसभा में जीत कर आ गए और हम जो चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में बनने वाली एनडीए की सरकार है उसके मंत्रिमंडल का भाई बहनों हम हिस्सा।
तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, नोटा से भी कम वोट मिले थे। ऐसी केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, लोकसभा की एक सीट पहली बार हम जीते। इससे पहले कभी लोकसभा विधानसभा में हमारा खाता नहीं खुला, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में त्रिचूर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता और हमारा वोट परसेंट बढ़ के 20% से ज्यादा। आप तमिलनाडु की बात करोगे तो तमिलनाडु में भी एनडीए का वोट परसेंट 20% से ज्यादा, लेकिन हमें लोकसभा में कोई राजनीतिक दृष्टि से परिणाम में सफलता नहीं मिली। लेकिन भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमारा संगठन काम कर रहा है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में देश के सामने। आप उड़ीसा का देखो, उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार है और भाइयों बहनों, लोकसभा चुनावों में तो परिणामों तो कमाल हो गया, 21 सीटों में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी। आप पूर्वोत्तर के राज्यों की बात, असम में भाजपा की 2 बार से सरकार, अरुणाचल में 2 बार से भाजपा की सरकार है, त्रिपुरा में 2 बार से भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है और नागालैंड में हम सरकार का हिस्सा है, मेघालय में सरकार का है। इस विषय की चर्चा मैंने इसलिए की कि भाइयों बहनों, लंबे कालखंड की गुलामी के बाद और जिस प्रकार से कांग्रेस का एजेंडा समाज को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं, उसके लिए ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप आज सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।